बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर बड़े से बड़े शिप भी जाएं तो वो भी गायब हो जाते हैं या फिर डूब जाते हैं, और अगर कोई एरोप्लेन भी इसके ऊपर से जाए तो वो भी गायब हो जाता है। और लगभग 200 से भी ज्यादा शिप्स इसमें डूब चुके हैं, पर ये शिप्स और प्लेन्स यहाँ पर आकर गायब या डूब क्यों जाते हैं? तो देखिए, बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन में है और इसके पास अमेरिका की फ्लोरिडा सिटी है जो कि बिल्कुल बरमूडा ट्रायंगल के पास है, और इस वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा साइक्लोन फ्लोरिडा में ही आते हैं। और 1981 में US नेवी की सबसे बड़ी शिप गायब हो गई थी। तो ये सब बरमूडा ट्रायंगल में ही क्यों होता है? क्योंकि अटलांटिक के नीचे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ज्वालामुखी है जिसमें बहुत ज्यादा विस्फोट होता रहता है, जिस वजह से यहाँ का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और इसीलिए ना ही तो यहाँ पर कोई शिप जा पाता है और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से प्लेन भी यहाँ से बाहर नहीं आ पाता।